गुड मॉर्निंग जैन बच्चों बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों ऑलरेडी देखिए मैंने बताया हुआ है कि आप कैसे OMR को भरेंगे जो उत्तर प्रदेश राज्य का है, ठीक है। तो कई बच्चों की अभी भी दिक्कत आ रही है क्योंकि उन्होंने मेरे वीडियोज़ ये OMR वाले देखे ही नहीं। बस वो पूछ रहे हैं कि सर ये सेंटर कोड और रोल नंबर कैसे मिलेगा, जो कि बस एक रोल नंबर दिया हुआ उसमें हम सेंटर कोड और अनुक्रमांक कैसे जानेंगे, एडमिट कार्ड में इसका जिक्र तक नहीं है, ठीक है। इसके लिए देखिए बच्चों उसी OMR कैसे भरे उसमें मैंने पूरी डिटेल बताई हुई है, लेकिन बच्चे वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि अलग से आपको बता दूं कि कैसे करना। ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि आप एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, ताकि उस प्रोसेस से स्टार्ट करते हुए जल्द से जल्द मैं प्रोसेस को पूरा समझा दूं कि आपको क्या भरना है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों इस वाले से मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है कि आप क्या करेंगे, ENTdata.co.in ENTdata.co.in, ठीक है। इस पर आप जैसे ये टाइप करेंगे, ये देखिए ये एड्रेस है, ठीक है, इसको आप टाइप करेंगे तो ये आपका खुल जाता है पेज परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज का, ठीक है। इसी से सब रजिस्ट्रेशन आपने किया, सब चीज़ें की है, मैंने समझाया हुआ है। यहाँ ऑप्शन आ रहा है एडमिट कार्ड का, तो जैसे मैं एडमिट कार्ड को क्लिक करता हूँ, ठीक है। नहीं एडमिट कार्ड के पहले बच्चों एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, देखिए कर दूँ, कई बच्चों की दिक्कत आ रही थी सर साइन भूल गए हैं, ये भूल गए हैं। बच्चों अब देखिए साइन आप खुद अभ्यर्थी ही जा रहे हैं, ठीक है। साइन आप बस आप रनिंग राइटिंग में अपना लिख दीजिएगा, जो भी आपका नाम है, जैसे अजय कुमार मैं अपना लिख दे रहा हूँ। कई बच्चे बोल रहे हैं सर इंग्लिश में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, आप इंग्लिश में ही पूरा ऐसा, ये नहीं करना शॉर्ट वाला साइन ऐसे ऐसे कर दें, ये वाला नहीं, नाम लिखिए वहाँ पे बच्चों। आप बस ओरिजिनल बच्चे होने चाहिए क्योंकि QR कोड वहाँ स्कैन होगा बच्चों, आपके एडमिट कार्ड में QR कोड दिया हुआ है, अगर संदिग्ध पाए जाएंगे तो तुरंत होगा। अब ये देखिए किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर देखिए मेल कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए exam.help@gmail.com, M नहीं दिख रहा है, ये M है COM, ठीक है। ये आप लिख के ईमेल कर सकते हैं जो विथ रजिस्टर्ड ID, ठीक है, और नेम एंड फादर नेम के साथ, या आप इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए कि सर हमारी ये समस्या है, ठीक है। तो कि जो भी बच्चों को समस्या आ रही है, कई बच्चे बोल रहे हैं सर हमारा सेंटर ही नहीं दिख रहा है, या ये नहीं दिख रहा वो नहीं दिख रहा, तो आप इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए या मेल कर दीजिए बच्चों, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो जैसे हम एडमिट कार्ड को क्लिक करेंगे तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ यहाँ आपको रजिस्टर्ड ID और अपना मोबाइल नंबर यहाँ भरना है, फिर यहाँ पर इसको दबा देना है। तो इस प्रोसेस को भी मैं दिखा नहीं रहा हूँ, ये तुरंत कर दे रहा हूँ मैं। अब बच्चों देखिए सर्च बटन दबाने के बाद बच्चे का ये रोल नंबर आ गया है, ठीक है, ये उसकी रजिस्ट्रेशन ID थी। पिछली बार मैंने दिखाया था कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, इसी बच्चे का दिखाया था, ठीक है, करण का। तो ये देखिए इसका रोल नंबर है, कितने अंकों का, ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब ये कैसे भरना है आइए इसको मैं समझाता हूँ, ठीक बच्चों। अब देखिए ये जो पूरी डिटेल इससे आपका क्लियर हो जाएगा, राष्ट्रीय आय एकता आदि छात्रवृत्ति परीक्षा के एडमिट कार्ड में दिया गया रोल नंबर कितने अंकों का है, 2 2 4 ये 8 और ये 3 11 11 नंबर का आपका रोल नंबर है। अभी जैसे मैंने उस बच्चे का आपको प्रैक्टिकली दिखाया भी, अब इसको समझिएगा, पहले दो अंक जो हैं आपके स्टेट कोड हैं या राज्य कोड जो है भरा हुआ है, तो हमारे उत्तर प्रदेश का राज्य कोड जो है बच्चों 31 है, ठीक है। और आप किस वर्ष के लिए परीक्षा दे रहे हैं, आप सोचेंगे 2022 चल रही है, बार बार मैं अपने मॉडल पेपर में बोलता हूँ 2023 का, क्यों, क्योंकि स्कॉलरशिप आपको 2023 से दी जाएगी, ठीक है। तो ये परीक्षा आप 2023 के लिए दे रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी 2022 का परीक्षा बच्चों हो चुका है, कई बार मैंने ओरिजिनल पेपर आपको अपने वीडियोज में दिखाया हुआ है। तो ये देखिए वर्ष दिया हुआ है 2023, क्लियर हुआ। और आपको भरना क्या है, ध्यान दीजिए भरना है आपको सेंटर कोड, केंद्र संख्या, ठीक है, सेंटर कोड या अभ्यर्थी ये स्वयं भरेगा। ये देखिए 4 अंकों के बाद जो 4 अंक होंगे वो आपका है सेंटर कोड, ठीक है। तो सेंटर कोड कहाँ भरा जाएगा, देखिए यहाँ पर अभी मैं दिखाऊंगा फिर से आपको जो OMR सीट है, तो यहाँ पर आपका सेंटर कोड भरा जाएगा। और अनुक्रमांक जो है, जो केवल 3 खाने दिए हुए, कई लोग परेशान हैं कि सर ये 3 खाने हैं, ठीक है, तो 3 खाने आखिरी के 3 नंबर हैं, आखिरी के 3 नंबर हैं, ये ध्यान दीजिएगा, यही आपका रोल नंबर या अनुक्रमांक है जो कि आप स्वयं भरेंगे, ठीक है। जो 2 चीज़ें आपको खुद से भरनी है वो है आपका सेंटर कोड 4 अंकों का और आखिरी के 3 अंक रोल नंबर, ये 2 चीज़ें बस आपको भरनी है। ये ऑलरेडी भरा हुआ मिलेगा, जैसे यहाँ देखिए भरा हुआ है, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ये है आपका राज्य कोड जो कि भरा हुआ होगा, सेकेंड है आपका वर्ष जो कि भरा हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ये आपका सेंटर कोड, केंद्र संख्या अभ्यर्थी स्वयं भरेगा,
इसके बाद ये है देखिए रोल नंबर अनुक्रमांक जो अभ्यर्थी स्वयं भरेगा, बस यही थी डिटेल बच्चों, ठीक है। और उम्मीद है आपकी 13 जो नवंबर को आपका परीक्षा उसकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपसे बस रिक्वेस्ट करेंगे जो नए बच्चे जुड़े हैं प्लेलिस्ट में जाएं और सभी वीडियोस को बच्चों देख डालें, ढेर सारे वीडियोस हैं, ठीक है बच्चों। अब आपको समझ में आ गया होगा, देखिए राज्य कोड ऐसे ही भरा रहेगा, ठीक है। ये पुराना OMR है इसलिए यहाँ 21 दिखा रहा है, यहाँ आपका 23 लिखा रहेगा, ठीक है। और सेंटर कोड 4 नंबर को यहाँ भर देना है और अनुक्रमांक जो आखिरी के 3 नंबर है रोल नंबर के आपको यहाँ भर देना। बाकी चीज़ें ऑलरेडी मैंने अपने वीडियो में बताई हुई हैं तो मैं समय नुकसान नहीं करूँगा, ठीक है। ये आपका देखिए जो जिसमें आपको नंबर्स भरना है ऑलरेडी मैंने बताया हुआ कैसे संख्याओं को भरना है, ठीक है। और ये आपका GMAT का है यानी कि जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, जो मैट का बताता हूँ, ये सेट का है बच्चों, ठीक है। ये पूरी डिटेल है इसमें। और यहाँ पे आपका देखिए साइन होगा, ठीक है। और यहाँ जो कक्ष निरीक्षक रहेंगे उनका होगा, यहाँ आपका मोहर लगेगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।